नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन सिंह आज आप लोग के बीच में फिर लाइव आया हूं। दोस्तों आज आप लोग को नोनी जूस के बारे में बताऊंगा कि हमारा वेल मोदी केयर नोनी जूस कैसे बनता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, वेल मोदी केयर नोनी जूस एक प्रकार का फल होता है नोनी, उस फल से तैयार किया जाता है। दोस्तों यह मेरा वीडियो देखने से पहले मेरा यह चैनल मोदी केयर MLM वाराणसी सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों यह जानकारी पूरी अगर जानना हो तो यह मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको नोनी जूस के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नोनी जूस कैसे बनता है और किन किन बीमारियों से हमें बचाता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। नोनी एक प्रकार का फल होता है जो कि प्राकृतिक के बेहतरीन फलों में से एक फल माना जाता है। नोनी फल में कई विशेष गुण होते हैं, कई विशेष गुण होने के कारण दोस्तों इसको एक चमत्कारी फल माना जाता है। नोनी का बॉटनिकल नाम मोरिंडा सिट्रोफोलिया है। मोरिंडा शब्द मोरस इंडिकस से आया है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है इंडियन मलबेरी। दोस्तों जिसका अर्थ होता है इंडियन मलबेरी यानी भारतीय शहतूत, जिसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे हाग एप्पल, चीज फल, लेड अच, बाली आक आदि नामों से जाना जाता है। यह एक मेडिकल प्लांट है दोस्तों। दोस्तों यह आलू के आकार का होता है। यह दक्षिण भारत तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्रों एवं समुद्र के किनारे पाया जाता है। यह दोस्तों जहां पाया जाता है वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री ऐसे कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों नोनी फल में लगभग 164 तत्व पाए जाते हैं। जो हमारा मोदी केयर नोनी जूस है इसमें पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा और बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा यह एंटी कैंसरस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नोनी जूस के फायदे बता दूं और किन किन बीमारियों से हमें बचाता है आपको ये भी बता दूं। दोस्तों इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारी इम्यूनिटी पावर यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है मजबूत होती है। दोस्तों इसके अलावा स्त्री के लिए एक वरदान साबित होता है। स्त्री रोग में यह बेहतरीन इलाज का कार्य करता है। दोस्तों महिलाओं में होने वाला इरेगुलर पीरियड यानी कि जो मासिक चक्र आता है महिलाओं में अनियमित होता है, जिसका या तो चढ़ के आता है या तो पहले ही आ जाता है, ऐसे में यह बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों पीरियड के समय पेट में होने वाले पेड़ों में होने वाला दर्द से भी राहत देता है। यह जो है रक्तस्राव को भी रोकता है, कम कर देता है। स्त्रियों में होने वाले बाझपन को भी यह कम कर देता है। दोस्तों इसके अलावा पेट संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है और पेट में होने वाले कई प्रकार के जैसे कि बदहजमी, गैस, दस्त, कब्ज और पेट में दर्द आदि को भी यह सही करता है हमारा मोदी केयर नोनी जूस। दोस्तों इसके अलावा मधुमेह रोग को भी यह नियंत्रण करता है यह हमारा नोनी जूस, और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर होने से बचाता है। इसके अलावा माइग्रेन जैसी समस्याओं से यानी जिसके सर में बराबर दर्द रहता हो उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों गठिया रोग जिसके हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है उसको भी दूर करता है, या हमारे शरीर के मांसपेशियों में कहीं दर्द होता है उसको भी धीरे धीरे यह सही कर देता है।
और जोड़ों में अगर कहीं जकड़न हो उससे भी राहत मिलती है हमारा नोनी जूस से। दोस्तों नोनी ये हमारे शरीर के कैलोरी को भी बर्न करता है। जब हमारे शरीर का कैलोरी बर्न करता है तो हमारा फैट जो है लॉस होता है और कहीं ना कहीं हमारा मोटापा जो होता है कम होता है, वजन कम होता है। अगर किसी का वजन ज़्यादा हो तो हमारा वेल मोदी के नोनी जूस का इस्तेमाल करें। और इसको पीने का मैं तरीका बता दूं, सुबह खाली पेट खाना खाने से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी में एक गिलास पानी में यह 20 ml तक ले, 20 से 25 ml तक, और एक गिलास और पानी पिए, यानी कि 2 गिलास गुनगुने पानी से सुबह पीना है और यही काम शाम को भी करना है। इसके अलावा दोस्तों यह त्वचा के लिए एक वरदान साबित माना जाता है। नोनी जूस त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें त्वचा में निखार आती है क्योंकि यह हमारे लिए एक वरदान साबित होता है एवं त्वचा के फ्री रेडिकल्स को भी दूर करता है और नई त्वचा का निर्माण करता है। दोस्तों यह हमारी त्वचा के लिए वरदान साबित होता है। नोनी जूस त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे त्वचा में एक निखार आती है क्योंकि दोस्तों ये हमारे त्वचा के फ्री रेडिकल्स को दूर करता है और नई त्वचा का निर्माण करता है, जिससे हमारे त्वचा में एक टोंड आ जाती है और जो झुर्रियां होती हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और त्वचा के ऊपर एक निखार सा आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों बालों के लिए एक अच्छा ये पौष्टिक तत्व माना जाता है। बालों की समस्याओं को भी दूर करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, हमें गंजापन होने से भी बचाता है। और दोस्तों इसमें एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं जो कि हमें कैंसर से भी बचाते हैं। और कहीं भी हमारे शरीर में गांठ बन रही हो या कैंसर की गांठ हो, किसी भी प्रकार की गांठ हो, वो इसका इस्तेमाल अगर हम 6 से 7 साल भर तक करें, 6 महीने से लेकर 1 साल भर तक, तो धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह पुरुषों में होने वाले नपुंसकता को भी दूर करता है, या मेंटली कमजोरी हो या फिजिकली कमजोरी हो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है हमारे मोदी की नोनी जूस से। अगर इसका इस्तेमाल पर डे करें तो धीरे धीरे ये समस्या भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों श्वास संबंधी रोगों में भी लाभदायक होता है। जैसे अस्थमा का कोई रोगी हो, अगर कोई मेडिसिन चला रहा हो उसके साथ अगर इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही जल्दी उसका रोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह संक्रमित बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा दोस्तों जिसके चेहरे पे कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हों इसका इस्तेमाल करें। कील मुहासों एवं छाइयों एवं जो दाग धब्बे होते हैं उसको दूर कर देगा और एक्जिमा सोराइसिस जैसी बीमारियों को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। नोनी जूस एक पावरफुल डिटॉक्सीफायर होता है दोस्तों। यह हमारे ब्लड एवं शरीर से जो होता है टॉक्सिन वो धीरे धीरे बाहर कर देता है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के समय में हम जो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, क्या वो हम शुद्ध ले पाते हैं या खा पी पाते हैं? नहीं दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले टॉक्सिन केमिकल तथा पॉल्यूशन भरा हुआ जो भी चीज़ हम यूज करते हैं वो सब उसमें पाया जाता है, जो हमारे शरीर के ऊपर एक थिन लेयर बना देता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर का जो हमारे शरीर के चमड़ी का रोम छिद्र होता है वो कोशिकाएं ढक जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। और दोस्तों उससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं। दोस्तों ये हमारा नोनी जूस स्किन के ऊपर टॉक्सिन लेयर को खत्म कर देता है और कोशिकाओं का नया निर्माण कर देता है, जिससे हमारी नई कोशिकाएं जब बनती हैं तो हमारे चमड़ी में हमारे स्किन में जो है एक प्रकार की चमक आ जाती है और एक टोंड आ जाता है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये जो है एंटी एजिंग होता है, हमारे बढ़ती हुई एज को रोक देता है। अगर किसी की उम्र बहुत ज़्यादा तेजी से ढल रही हो तो इसका उपयोग करें, वह उम्र को बहुत ही जल्दी जो खत्म कर देता है और आप एक नए जवान की तरह दिखने लगते हैं। दोस्तों बूढ़े जवान इसको सभी लोग ले सकते हैं, 6 साल की ऊपर के उम्र के सारे लोग ले सकते हैं इसको, उसके अनुसार जैसी उम्र है उसके अनुसार
इसका डोज होता है यह मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई दवा चला रहे हैं या कोई डॉक्टर आपका दवा एडवाइस किया तो उसके साथ आप आसानी से इसको सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह कोई मेडिसिन नहीं होती है, यह एक हमारा फल का जूस होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा कर देता है और रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। दोस्तों इसके अलावा ये हमें डिप्रेशन मुक्त रखता है, क्योंकि इसमें सेरोटोनिन और एंडोर्फिन दो एंजाइम तत्व तो पाया जाता है जो कि मनुष्य को प्रसन्नचित रखने में और टेंशन फ्री यानी टेंशन मुक्त रखने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों नोनी जूस एक डाइजेस्टिव यानी पाचन क्रिया का भी काम करता है, हमारी लीवर को मजबूत रखता है, पाचन क्रिया उसका बढ़ा देता है और हमारा भोजन जो है सही से पचता है, हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है। दोस्तों चलिए मैं आज आप लोग को दिखा दूं, ये हमारा देखिए नोनी जूस है। दोस्तों यह हमारा मोदी केयर नोनी जूस जो होता है शुगर फ्री होता है और विथ कोकुम होता है दोस्तों, और मार्केट का कोई भी ऐसा नोनी जूस नहीं होता जिसमें कि कोकुम मिला हुआ हो। दोस्तों चलिए मैं आपको इसको कैसे लिया जाए आपको लेने का तरीका बता दूं। पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन तक इसको 5 ml गुनगुने पानी में सुबह और शाम खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना होता है। और दोस्तों इसको कम से कम 2 गिलास पानी से यूज करिए, इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक 5 ml ट्वाइस डेली होता है खाना खाने से आधा घंटा पहले, और चौथे दिन से लेकर के छठवें दिन तक दोस्तों 10 ml लीजिए उसी तरह से गुनगुने पानी में, कम से कम 2 गिलास उसके बाद पानी पीजिए। और दोस्तों 7वें दिन से अनवर्ड यानी जब तक आप इसको यूज करते हैं तब तक 20 से 25 ml तक सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इसको लीजिए। दोस्तों बेहतरीन रिजल्ट के लिए 6 से 12 महीने तक इसका यूज करिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं एक वार्निंग आप लोग को दे दूं कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए यह नहीं देना चाहिए, और दोस्तों प्रेगनेंसी तथा लैक्टेशन जब माँ जो होती है दूध पिलाती है उस समय इसका सेवन न करें। यह हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।